सब्सक्राइब कीजिए इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल को इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर और इस घंटी को दबाइए ताकि आप पास के हर नई सरकारी नौकरी एडमिट कार्ड एग्जाम रिजल्ट से जुड़ी सूचनाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन रोजगार में। दोस्तों जैसे कि आप सभी थंबनेल और टाइटल देखकर वीडियो में आए हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एयरफोर्स Phase-2 के बारे में जो कि एयरमैन सिलेक्शन सेंटर अंबाला कैंट में हुआ था। पूरी डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे फिजिकल से लेकर मेडिकल ग्रीन कार्ड तक, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी बातें आपकी जो है क्लियर इस वीडियो में होने वाली हैं। तो दोस्तों अगर आपको बीच में वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हमारी वीडियो पर आते हैं। तो जो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर अंबाला कैंट था दोस्तों, वहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट का रिपोर्ट के लिए बुलाया गया था वो अप्रोक्सीमेट 300 थे, यानी जो मैक्सिमम बुलाए जाते हैं वो 300 या फिर 400 बुलाए जाते थे, लेकिन यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेट बुलाए थे वो 300 बुलाए थे और जो प्रेजेंट हुए थे रिपोर्टिंग जिन्होंने किया था वो 290 प्लस थे, यानी जो काफ़ी कम बच्चे यहाँ पर एबसेंट थे। 290 प्लस स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया था सुबह के, दोस्तों लगभग मान लीजिए आप सुबह का रिपोर्टिंग टाइम था 5:30 AM, यानी जो 5:30 बजे सुबह के यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम था। जैसे ही दोस्तों स्टूडेंट्स रिपोर्ट हुए अप्रोक्सीमेट 6:15 बजे जो है फिजिकल करवाया गया। फिजिकल में आपको दोस्तों जो 1600 मीटर रन थी वो आपकी जो है यहाँ पर काफ़ी आराम से ली जा रही थी और जो रनिंग ग्राउंड था वो सर्कुलर था, यानी सर्कुलर ग्राउंड में आपको जो है रन लगानी थी। अब बात करते हैं दोस्तों जो स्टूडेंट्स थे 290 प्लस, उनमें से दोस्तों आर्डली जो है पुशअप्स में निकाला गया था, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे उनको पुशअप्स में निकाला गया था और जो अप्रोक्सीमेट 5+ स्टूडेंट्स को ही निकाला गया था, 5 या 6 स्टूडेंट आप मान लीजिए जिनको फिजिकल में निकाला गया था। अब बात करते हैं दोस्तों जैसे ही आपका फिजिकल हुआ उसके बाद आपको SRT यानी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट एक और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के लिए भेज दिया गया था, जो कि यहाँ पर दोस्तों ऑन द स्पॉट SRT के लिए भेज दिया गया था। तो इसमें आपके दोस्तों सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस थे MCQ टाइप के, उसमें आपको यहाँ पर पूछे गए थे। उसका जो रिजल्ट है वो टेस्ट देने के लगभग जो है 1.5 घंटे बाद वहीं पर बता दिया। और जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट एक यानी SRT में जो स्टूडेंट्स निकाले थे वो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स निकाल दिए गए थे, अप्रोक्सीमेट 50+ स्टूडेंट्स यहाँ पर निकाल दिए गए थे। तो दोस्तों जो टोटल स्टूडेंट आउट हुए थे SRT तक वो यहाँ पर बच गए थे आपके 60 के लगभग, जो 60 के लगभग स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आउट हो गए थे SRT तक। जो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर बचे थे वो बचे थे 240 स्टूडेंट्स को GD के लिए बुलाया गया। तो दोस्तों GD में आपके जो टॉपिक थे वो काफ़ी हार्ड थे, काफ़ी मुश्किल अब की बार जो है GD में टॉपिक थे। वहाँ पर दोस्तों स्टूडेंट्स ने बताया कि GD के काफ़ी मुश्किल टॉपिक्स थे, हालांकि उन्होंने टॉपिक का नाम सही तरीके से नहीं बताया, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जो GD के टॉपिक थे वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे। तो दोस्तों GD में भी काफ़ी बच्चों को जो है यहाँ पर आउट कर दिया गया, यानी जो लगभग मैं आपको बताऊँ कि लगभग 80 स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो है GD में आउट कर दिया गया, यानी 80+ स्टूडेंट्स को GD में आउट कर दिया गया। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अब की बार जो है आउट किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों जो टोटल स्टूडेंट्स बचे थे मेडिकल के लिए, यानी जो जिनको मेडिकल कॉल लेटर दिया गया था वो यहाँ पर आपके अप्रोक्सीमेट 150+ स्टूडेंट्स बचे थे आउट ऑफ 300 में से। दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं कि 150+ बच्चे आपके मेडिकल के लिए क्वालिफाई किए, यानी जो हाफ रेशो यहीं पर रहने वाला है, यानी जितने आए थे उसमें से आधे ही क्वालिफाई हुए हैं। तो ये था आपका Phase-2 का रिव्यू। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो अगली वैकेंसीज हैं एयरफोर्स की, जो साल में 2 बार कहा था कि जो साल में 2 बार जो वैकेंसीज निकालने गई थी एयरफोर्स ने, वो वहाँ पर दोस्तों जो स्टूडेंट्स आउट हो रहे थे उनसे वहाँ पर जो एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा था कि जो अगली वैकेंसीज हैं वो 30 जून के लगभग जो है आ जाएंगी, जुलाई में आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए और प्रिपरेशन कीजिए, उन्होंने मोटिवेट करते हुए ये बात कही थी। तो कितनी सच्चाई है आपको जुलाई में पता लग जाएगी। तो दोस्तों ये था आपका Phase-2 का रिव्यू जो कि मैंने बताया है आपको। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन आपका इस वीडियो से रिलेटेड हो, कोई सजेशन हो, कोई गलती हमसे हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज जो है मिली होगी Phase-2 के बारे में। अगर आपका भी है
तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्रिपरेशन कर दीजिए क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको ग्रीन कार्ड मिला था मेडिकल के लिए उसमें आपको जो है क्या क्या प्रिकॉशंस दिए हुए हैं। अगले वीडियो में आपको मेडिकल के प्रिकॉशंस अगले वीडियो में हम बताएंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन क्वेरी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।